नमस्कार, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोल। डिफरेंट कंट्रीज में कोल को क्लासिफाई करने के मेथड और कोल को टेस्ट करने के मेथड अलग अलग हैं, जो कि फिजिकल फॉर्म और केमिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा डिवाइड करे जाते हैं। कोल को रैंक के अकॉर्डिंग निम्न कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहला आपका लिग्नाइट, सब बिटूमिनस, बिटूमिनस, सेमी एंथ्रासाइड और एंथ्रासाइड। लिग्नाइट को एल, सब बिटूमिनस को एस बी, बिटूमिनस को बी वन से बी एट, सेमी एंथ्रासाइड को एस ए और एंथ्रासाइड को ए से डिनोट कराते हैं। पीट जो है एक जीवाश्म ईंधन है, लेकिन वो कोल में कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं होता है। कोल की रैंक, चेंज इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग और पीरियड ऑफ फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है। हाई ग्रेड कोल में एंथ्रासाइड और बिटूमिनस होते हैं, जिनकी हीटिंग वैल्यू ज़्यादा होती है और बेस्ट कंटेंट कम होती है, जो काफ़ी पीरियड के दौरान बनते हैं। सब बिटूमिनस कोल की मैच्योर पीरियड बिटूमिनस से काफ़ी कम होती है। लो ग्रेड कोल में लिग्नाइट होते हैं, जो काफ़ी जल्दी बन जाते हैं, इनकी लोअर हीटिंग वैल्यू होती है और बेस्ट कंटेंट हाई होते हैं। एंथ्रासाइड हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल, सबसे अच्छी क्वालिटी का है। इसकी हीटिंग वैल्यू 30,000 से 36,000 जूल पर केजी होती है। यह हार्ड, ब्लैक और शाइनी होता है। इसकी हीटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। फिक्स कार्बन की मात्रा 86 से 98% होती है। वोलेटाइल मेटल इसमें काफ़ी लो है, जो कि 2 से 14% होता है। कार्बन कंटेंट हाई होते हैं और वोलेटाइल मेटल रो होते हैं। ये इंडिया में नहीं पाया जाता, इट इज़ डिपोजिट इन यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रियल फर्नेस, मेटलर्जिकल प्रोसेस, मेकिंग कार्बन एंड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है बिटूमिनस कोल, ये हाई ग्रेड का कोल होता है एंथ्रासाइट के बाद। हीटिंग वैल्यू 31,000 से 37,000 जूल पर केजी होती है। ये पल्वराइज फॉर्म में आसानी से जलता है। बिटूमिनस कोल सॉफ्ट और ब्लैक होता है। कार्बन कंटेंट की मात्रा 40 से 86% होती है। वोलेटाइल मैटर 18 से 40% होते हैं। इसको 8 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, B1 से B8 तक। जो B1 और B2, B3 जो हैं, उनमें हाई वोलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है, मतलब उनकी हीटिंग वैल्यू काफ़ी लो होती है। B6, B7 और B7 की वोलेटिलिटी, मतलब वाष्पशीलता लो होगी और उनकी हीटिंग वैल्यू ज़्यादा होती है। ये ग्रेलेस ब्लैक होते हैं। सब बिटूमिनस, इसको ब्लैक लिग्नाइट भी कहते हैं, इनकी हीटिंग वैल्यू 19,000 से 26,000 जूल पर केजी होती है। ये ब्राउनिश ब्लैक होते हैं और ये पल्वराइज फॉर्म में इजीली जलते हैं। हायर मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, जो कि 15 से 30% होते हैं। इसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, SB210, SB220 और SB230। लिग्नाइट जो है यह इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं, जो लैटिन वर्ड लेगनम से बनता है। ये बुडी, फाइबरस, ब्राउनिंग ब्लैक और अपियरेंस इनकी बुड के टिश्यू के आकार की होती है। इनकी हीटिंग वैल्यू 14,000 से 19,000 जूल पर केजी होती है। वोलेटाइल मैटर 30% होता है और ये अनइकोनॉमिकल होते हैं। ये इनमें हायर मॉइस्चर, हीटिंग वैल्यू लो और रैपिड ऑक्सीडेशन होता है। इनका यूज पावर प्लांट में करा जाता है। पीट जो है फॉयल सॉलिड फ्यूल होते हैं। मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी हाई होगा और ये फुल मैच्योर नहीं होते हैं। पीट एज ए कोल की तरीके का नहीं है। यह ब्राउन कलर का होता है और हाईली फाइबरस मटेरियल में होते हैं। इनकी हीटिंग वैल्यू 18,000 जूल पर केजी होती है। इसमें 90% मॉइस्चर होता है। ये रसिया, फिनलैंड और आयरलैंड में काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। इनका यूज डिस्ट्रिक्ट हीटिंग और इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में होता है। तो ये हमारा टॉपिक था कोल का, कोल एंड उसके टाइप्स। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।